ये देखो चिल्ला मार्ग पर क्या हो रहा है, भारी नदी आ गई है यहाँ पर। हम लोग जा रहे थे ऋषिकेश, लेकिन रास्ते में ये एक दुविधा सी आ गई है सामने, देखते हैं हम निकल पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है। एक भाई निकलने की कोशिश कर रहा है, आ रही होगी आवाज, ये नहीं हो पाएगा। निकल तो गए, देख ले पांच लोगों ने पकड़ी हुई है भाई। अपना मन तो ऐसा हो गया, अपना मन तो ऐसा हो गया कि जाएं या ना जाएं, लेकर के जाना तो है, जाएंगे हम भैया। ये गाड़ी निकल नहीं पाएगी अभी, एक सब सब उड़ जाएगा इसका बम्पर बम्पर। ये शिफ्ट वाले भाई साहब पूरी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि निकल नहीं पाएंगे। ओ भाई, ये स्प्लेंडर निकल के आ पा रही है तो और क्या ही, ये देखिए स्प्लेंडर निकल गई। वाह भाई जी, मान गए इसे, बंद होनी चाहिए गाड़ी, निकाल दी भाई जी गाड़ी, तो हम भी निकाल देंगे क्या, तू चला गाड़ी। ये देखिए यहाँ पर चिल्ला रोड पर ये बादल है पूरा, ये ऋषिकेश का वे है, और आपको ऋषिकेश जाना है तो यहाँ से इजीली जा सकते हैं बिना ट्रैफिक के। अगर ट्रैफिक से बचना है तो ये बहुत इजी इजी वे है, पूरा व्यू, और व्यू तो इतना सॉलिड है ना, आप बिल्कुल अच्छे से राइड ले सकते हैं इधर, बहुत अच्छा व्यू है। तो चलिए मिलते हैं अब ऋषिकेश में, सबसे पहले पड़ता है वहाँ पर सीतापुर, तो सबसे पहले हम सीतापुर पर जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ पर जाना है। ये अभी पीछे पूरी नदी से हमने अपनी बाइक निकाली, अभी दिखाया था बहुत ही बुरा हाल था, तो बाइक स्टार्ट होने में थोड़ा समय लग गया, दैट्स व्हाई लेट हो। ये मैं और सोहेल निकले थे, हमने सोचा था राइड कर लेंगे, हम एक अच्छी सी राइड पर निकले थे, लेकिन ये हो नहीं पाई, ये अधूरी रह गई, क्योंकि हाल कुछ ऐसा है और हमारे पास सिर्फ बाइक है। अभी पीछे भी हम बहुत मुश्किल से निकल करके आए हैं, अब ऐसा लगता है रात यहीं गुजारनी पड़ेगी किसी रिजॉर्ट में। क्यों भाई रुकने के लिए तैयार है तू? हाँ घर से तो 500 रुपये लेके आए थे। ये देखो ये निकाल देगा, अगर तो हमें अपनी बाइक निकालनी है तो इसको आपको लादनी पड़ेगी, ट्रैक्टर आ रहा है ट्रैक्टर। एंडेवर भी वहाँ पर खड़ी हुई है सारे, ये पास ही के लोग होंगे जो अंदर नहीं जा पा रहे शायद। ये आ गया, ये भाई निकाल देगा, ये एक बंदा जो निकाल सकता है। बहुत तगड़ी लोग निकल गई, ये निकल गई, देखो हमें यहीं से क्रॉस होना था, हमें यहीं से ही क्रॉस होना था और हम यहीं से नहीं जा पा रहे, अब ये पड़ गए दुविधा में, दुविधा में। ये निकल पाएगा पता नहीं, बताना जरा। ये अंकल देखो छाता लेकर खड़े हैं, अंकल शर्मा आ गए अंकल, इसके नीचे से भी पानी जा रहा है, ये सोहेल मलिक का बेचारे का सपना बस, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पे खत्म,
तो क्या करें, वापस चले गए यहाँ से तो जा नहीं सकते भाई, क्योंकि और फिर वो फिर एक और मुसीबत वो रास्ते वाली, बीच से कहीं और रास्ता कटता भी नहीं है कहीं और जाने के लिए, नहीं कटता वहाँ के अलावा कहीं और नहीं कटता। क्या कर रहे हैं, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, ये नदी कह रही है। चलो हमारा सपना यहीं पे अधूरा रह गया, कभी वो नेक्स्ट टाइम या उधर के जाएं सड़क से, सड़क इधर हाईवे से हाईवे निकल जाएगा, वहीं से निकलेगा मेरे हाथ से, फिर कुछ आगे घर वापस जाने के बाद फिर दोबारा मोड़ पड़ेगी समझ गए, वहाँ से वापस हाईवे हाईवे जाना पड़ेगा। चलें, चलो भाई वापस चलते हैं हम यहाँ से, चलो देखते हैं जा पाएंगे तो ऋषिकेश आगे की वीडियो डालेंगे यूट्यूब में, नहीं तो फिर यहीं से अपने घर के रास्ते वाली डाल देंगे। चलो बाय।